हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करें, उसका नाम है क्रेनियल नर्व के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। क्रेनियल नर्व क्या होती है, ये क्या है कि एक्चुअली 12 पेयर में होती है जो कि हमारे ब्रेन से निकलती है और जो हमारा जो फेस का जितना भी मूवमेंट रहता इन सब में ये हेल्प करती है हमारी क्रेनियल नर्व। ठीक है, टोटल कितनी 12 पेयर में होती है हमारी क्रेनियल नर्व। अब हम देखते हैं कि क्रेनियल नर्व एक्चुअली होती क्या। तो क्रेनियल नर्व आर अ सेट ऑफ 12 पेयर, मतलब कि इसके क्या 12 पेयर होते हैं। ठीक है, किसके? क्रेनियल नर्व। ठीक है, इन द बैक ऑफ योर ब्रेन, और जो हमारा ब्रेन है उसके बैक में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन योर ब्रेन। क्रेनियल नर्व क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करती है, सेंड करती है इसको ब्रेन को, ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, क्रेनियल नर्व हेल्प यू टेस्ट स्मेल हियर एंड फील सेंसेशन। क्रेनियल नर्व क्या क्या काम करती है, एक तो टेस्ट। ठीक है, जो आप अपनी जो टंग है उसमें जो टेस्ट आता है किसके थ्रू आता है, हमारे क्रेनियल नर्व थ्रू। स्मेल, आप किसी भी चीज़ को स्मेल करते हो, यदि वो चीज़ अच्छी हो या बुरी आपको स्मेल आती है तो वो क्या चाहती, क्रेनियल नर्व। ठीक है, नेक्स्ट हियर, आप जो सुनते हो ऑडिटरी, मतलब कि आप जो सुनते हो आपको कानों से, तो वो कौन सी नर्व उसमें काम करते हैं, हमें क्रेनियल नर्व। ठीक है, एंड फील सेंसेशन, और आप जो स्किन के थ्रू जो सेंसेशन को फील करते हो वो सब कायम आता है हमारी क्रेनियल नर्व में। ये सब काम कौन करते हैं, हमारी क्रेनियल नर्व करती है, जो कि पेयर में कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, दे आल्सो हेल्प यू मेक फेशियल एक्सप्रेशन, और जो आप हमारे जो फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनमें भी ये हेल्प करती है। जो हमारे फेस का जो मूवमेंट होता है, जैसे आपकी आईज को ब्लिंक करते हो तो उसमें भी क्रेनियल नर्व ही क्या करती, सपोर्ट करती। ब्लिंक योर आईज एंड मूव योर टंग, और जो आपकी जो टंग है, मतलब कि आपकी जो जीवान है उसको जब मूव करते हो तो वो भी किसके थ्रू होता, क्रेनियल नर्व के थ्रू। तो क्रेनियल नर्व क्या है, जो कि हमारे ब्रेन से निकली हुई 12 पेयर में है नर्व, जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और जो हमारे फेस में जितना भी मूवमेंट होता इन सबको क्या करती, कंट्रोल करके रखती। कौन? क्रेनियल नर्व। उसके बारे में हम देखते हैं कि नेक्स्ट में कि 12 क्रेनियल नर्व के नाम क्या क्या, इसके बारे में हम जानेंगे, उनके फंक्शंस क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम देखने वाले 12 क्रेनियल नर्व के बारे में कि उनके नाम क्या क्या होते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। क्या है, ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट एंड हेवन, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से बात करेंगे। ओ फर्स्ट वाला ओ, उसे क्या हमारा ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री है ना। ओ से फिर सेकंड वाला ऑप्टिक, ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक, ऑक्लो मोटर। ठीक है, फिर टी से प्रोक्लियर, टी से क्या, ट्राइजेंगल, फिर ए से एब्ड्यूसेंट, एफ से क्या है, फेशियल, एफ से फेशियल, फिर वी से वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर है ना, फिर जी से ग्लोसोफेरेंजियल, फिर वी से वेगस, फिर ए से एसेसरी, देन लास्ट वाला हमारा एच, एच से हाइपोग्लोसियल। तो ये हमारी क्या है कि शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से हम 12 क्रेनियल नर्व को इजी से याद कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट एंड हेवन, ओ से ऑल्फैक्टिक, ओ से ऑप्टिक, ओ से ऑक्लोमोटर, फिर टी से प्रोक्लियर, ट्राइजेमियल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसियल। तो ये हमारी क्या है, 12 क्रेनियल नर्व। अब ऑल्फैक्टिक, ये क्या हमारी सेंसरी नर्व है, ऑल्फैक्टिक क्या हमारी सेंसरी नर्व है। कौन कौन सी सेंसरी नर्व, हमारी पहली और दूसरी और आठवीं क्या है, सेंसरी नर्व है।
सेंसरी, सेंसरी पहली, दूसरी और आठवीं। आठवीं कौन सी हमारी, ये हो गए सिक्स सेवंथ एट, एट था हमारी वेस्टिबुलो क्लोक्लियर, ये भी क्या है सेंसरी है। तो यहां पर लिख लेते हैं सेंसरी नर्व, सेंसरी कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड और एट, क्या है सेंसरी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मोटर नर्व कौन कौन सी है, थ्री फोर सिक्स इलेवन ट्वेल्व, थ्री मोटर, फोर्थ मोटर, सिक्स एब्डुसेंट, क्या है हमारी मोटर नर्व, सिक्स और इलेवन और ट्वेल्व, इलेवन में कौन है हमारी एसेसरी और ट्वेल्व में हाइपोग्लोसियर, ये भी क्या है मोटर नर्व। फिर हम देखते हैं कि हमारी मिक्स मतलब कि सेंसरी और मोटर दोनों नर्व कौन कौन सी है, तो फिफ्थ सेवंथ नाइन टेंथ, फिफ्थ में हमारी कौन सी है ट्राइजेंगल, ये क्या है मिक्स्ड, जिसको हम बोथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है मिक्स्ड फेशियल, ठीक है, ये भी मिक्स्ड है हमारी, टेंथ नंबर पे वेगस नर्व, ये भी क्या है मिक्स्ड नर्व। तो हमको क्लियर हो गया कौन सी हमारी सेंसरी है, कौन सी मिक्स और कौन सी मोटर है। सेंसरी हमारी हो गई फर्स्ट सेकंड एट्थ, है ना। अब हम देखते हैं मोटर नर्व, मोटर कौन कौन सी थी हमारी, थ्री फोर सिक्स इलेवन ट्वेल्व, है ना, थ्री फोर सिक्स इलेवन ट्वेल्व, क्या हो गई मोटर। अब देखते हैं मिक्स, मिक्स कौन कौन सी है, तो बारे देख लेते हैं हम मिक्स नर्व कौन कौन सी हमारी, थ्री फोर नहीं सॉरी फिफ्थ सेवन नाइन टेन, फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ और टेंथ, ये क्या है हमारी मिक्स्ड नर्व। ये हमारी टोटल सारी क्या है हमारी ट्वेल्व क्रेनियल नर्व है, क्या है क्रेनियल नर्व। एक इजी ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, क्या ट्रिक, ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट एंड हेवन, ओ से ऑल्फैक्टिक ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, ठीक है, फिर ट्रोक्लियर ट्राइजेमियल एब्डुसेंट, फेशियल फेशियल वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसो फेरेंजियल वेगस एसेसरी और हाइपोग्लोसियल, कौन कौन सी, ऑल्फैक्टिक ऑप्टिक ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर ट्राइजेमियल एब्डुसेंट, फेशियल वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लोसो फेरेंजियल वेगस एसेसरी और हाइपोग्लोसियल, ये हमारे टोटल ट्वेल्व क्रेनियल नर्व है जिनके। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व के फंक्शन के बारे में। हमने क्रेनियल नर्व को तीन पार्ट में डिवाइड किया, सेंसरी मोटर और मिक्स, सेंसरी नर्व मोटर नर्व और मिक्स नर्व, हमने क्या किया उसको डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी नर्व के क्या क्या फंक्शन, सेंसरी नर्व हमारी कौन कौन सी, फर्स्ट ऑल्फैक्टिक ऑप्टिक और वेस्टिबुलो कोक्लियर, हमारे तीन क्या है सेंसरी नर्व है, ठीक है। हम देखते हैं पहले ऑल्फैक्टिक, ऑल्फैक्टिक का क्या होता है काम, स्मेल, मतलब कि ये क्या है कि हमारे जो नोज है उससे हमारी स्मेल पता करती है, ठीक है, स्मेल जो हमें आती है मतलब अच्छी या बुरी, मतलब कि फ्रेग्रेंस वाली या स्मेल को सेंस कौन करती है, हमारी ऑल्फैक्टिक नर्व क्या करती है स्मेल को सेंस करती है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक का मतलब होता है विजन, मतलब कि देखना, जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या करती है विजन, विजन को सेंस करती है, जो हम चीज देखते हैं उसको सेंस करती है कौन सी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। फिर हम देखते हैं एट्थ वाली हमारी क्रेनियल नर्व जिसका नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर, इसको हमने दो नाम दिए वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो जो नर्व है वो क्या करती है बॉडी का बैलेंस करती है, ठीक है, और जो कोक्लियर है वो क्या करती है हियरिंग मतलब सुनती है, ठीक है। इसको हमने क्या दो नर्व को एक ही नर्व एड करा है, वेस्टिबुलो ने कोक्लियर, ये अलग अलग है दो नर्व, ठीक है। वेस्टिबुलो क्या होता है काम, ये हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, और ये कोक्लियर इसका काम क्या होता है हियरिंग का, मतलब कि सुनने का, तो जो हमारा ईयर होता है उसमें एक होता है कोक्लियर, उसी का हम बोलते हैं कोक्लियर, ठीक है, वो क्या करता है हमारे जो आवाज है उसको सुनता है कोक्लियर, ठीक है। तो ये हो गए हमारी सेंसरी नर्व, कौन कौन सी, ऑल्फैक्टिक ऑप्टिक और वेस्टिबुलो कोक्लियर। ऑल्फैक्टिक का क्या काम है,
स्मेल का, सूंघने का, ठीक है। फिर हमारी ऑप्टिक नर्व, उसका क्या काम है, देखने का, विजन, ठीक है। देन हमारी लास्ट वाली है एट नंबर वाली, जो हमारी वेस्टिबुलो कोक्लियर, उसका क्या काम है, एक तो हियरिंग और हमारे जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन करना, उसका काम है वेस्टिबुलो कोक्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोटर नर्व, मोटर नर्व हमारी कौन कौन सी है, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, इलेवन, ट्वेल्थ, थ्री फोर सिक्स इलेवन ट्वेल्व हमारी क्या है, मोटर नर्व। थर्ड नंबर की हमारी ओक्लोमोटर, ओक्लोमोटर मोटर से मतलब कि इसका जो काम हो क्या, मोटर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का काम होता है इसका, ठीक है। ओक्लोमोटर, प्रोक्लियर और एब्डुशन जो नर्व है वो क्या करते हैं, हमारी जो आई बॉल है, हमारी जो आंखें है उसके अंदर जो बॉल है उसका मूवमेंट करवाती कौन, ओक्लोमोटर, प्रोक्लियर और एब्डुशन, तीनों क्या करवाती मिलके आई बॉल का मूवमेंट करवाती, ठीक है। और आई बॉल का मूवमेंट कौन कौन से, एक ट्रिक है आप इसको याद कर सकते, एल आर सिक्स एस ओ फोर आर थ्री, एल आर सिक्स मतलब कि लेटरल रेक्टस, एल से लेटरल, आर से रेक्टस, ठीक है। ये हमारी क्या है, मसल्स होती आई की, उनका मूवमेंट करवाती अप एंड डाउन मूवमेंट, ठीक है। एल आर सिक्स, एल से लेटरल और आर से रेक्टस, फिर एस ओ फोर, एस से सुपीरियर और ओ से ओब्लिक, ठीक है, और आर थ्री, आर से इंफीरियर, है ना। तो ये क्या हमारा लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर जो हमारी मसल्स होती आई में, उनका क्या करवाती अप एंड डाउन मूवमेंट करवाती, जो हमारी आई ब्लिंक होती है उसका मूवमेंट कौन करवाती, ओक्लोमोटर, प्रोक्लियर और एब्डुसेंट नर्व, जो कि हमारी थ्री थ्री फोर और सिक्स नंबर की जो हमारी नर्व है वो क्या करवाती है, आई बॉल का मूवमेंट करवाती, ठीक है। फिर हम देखते हैं इलेवंथ वाली नर्व हमारी, उसका क्या नाम है, एसेसरी, एसेसरी नर्व क्या करवाती, मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर मसल, जो हमारी नेक और शोल्डर की जो मसल्स है उनका मूवमेंट कौन करवाती, एसेसरी नर्व क्या करवाती है, नेक और शोल्डर का मूवमेंट करवाती है, ठीक है। फिर आप देखते हैं सबसे हमारे लास्ट ट्वेल्थ वाले नर्व है हाइपोग्लोसियर, ये क्या करवाती है, टंग का मूवमेंट करवाती है, जो हमारी टंग है, जीवान है, उसका मूवमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, हाइपोग्लोसियल नर्व के थ्रू होता है टंग का मूवमेंट। तो हमने देखा सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, सेंसरी नर्व कौन कौन सी, ऑल्फैक्टिक, ऑप्टिक और वेस्टिबुलो कोक्लियर, ऑप्टिक क्या क्या करवाती विजन, ऑल्फैक्टिक क्या करवाती स्मेल, और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है वो क्या करवाती है, हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है, और हियरिंग मतलब कि सुनने का काम करती है, जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये क्या कौन सी नर्व काम कर रही है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व काम कर रही है, ठीक। फिर हम देखते हैं मोटर, मोटर में ओक्लोमोटर, प्रोक्लियर और एब्डुशन जो नर्व हमारे थ्री फोर और सिक्स नंबर की जो नर्व है वो क्या करवाती है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, हमारी जो आई बॉल है उसका मूवमेंट करवाती है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, कौन कौन सी मसल से जिसका मूवमेंट करवाती हो, एल आर सिक्स एसओ फोर आर थ्री, एल से लेटरल रेक्टस, एसओ फोर से सुपीरियर ओब्लिक और आर थ्री से हमारा इंफीरियर, ठीक है। तो ये हमारा एल आर सिक्स एसओ फोर आर थ्री। फिर हमारी आती है एसेसरी नर्व, ये क्या करवाती है, मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर, जो हमारा नेक और शोल्डर इसका मूवमेंट करवाती कौन, एसेसरी नर्व, ठीक है। देन लास्ट हमारी आती है हाइपोग्लोसियल, ये क्या करते हैं, हमें टंग जो हमारी जीवान थी उसका मूवमेंट करती कौन, हाइपोग्लोसियल नर्व। तो ये हमारे हो गए मोटर और ये हमारे सेंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड नर्व, जो कि बहुत मतलब कि उसमें सेंसरी भी एड होती है नर्व और मोटर भी नर्व एड होती है, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व। हेलो, तो अब हम देखते हैं मिक्स नर्व के बारे में, कौन कौन सी हमारी फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और टेंथ। फिफ्थ है हमारी ट्राइजेमियल, सेवंथ हमारी फेशियल, नाइन्थ है हमारी ग्लोसोफेरेंजल, टेंथ हमारी वेगस नर्व। ये चारों नर्व क्या है, मिक्स नर्व, मतलब कि इनमें सेंसरी और मोटर दोनों ही नर्व पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं ट्राइजेमियल में, ट्राइजेमियल हमारी क्या है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ट्राइजेमियल में सेंसरी नर्व तो होती है और एक होती है मोटर। सेंसरी में कौन सी, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी, क्या है, सेंसरी नर्व है। ऑप्थेल्मिक का क्या होता है, काम देखने का, ठीक है। ऑप्थेल्मिक का मीन्स होता आई, मतलब कि देखना, ठीक है। मैक्सिलरी जो हमारे ये मैक्सिला का जो पोर्शन रहता है इसको सेंसरी कौन हो जाती है, हमारी ट्राइजेमियल नर्व, ठीक है। और फिर आता है हमारा मैंडिबुलर, मैंडिबुलर में भी दो है, एक सेंस का भी काम करती है ये और मोटर का काम करती है। सेंस का कैसे कि जो हमारा जो है मैंडिबल है, ठीक है, इसको क्या है कि मूवमेंट सेंसेशन प्रोवाइड करती है, और मोटर क्या करता है, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जब भी हम कोई सी चीज को चेविंग करता है, मतलब कि चबाते हैं, तो तब हमारी जो ट्राइजेमियल नर्व ये काम करती है, तब जाके हमारा हम इसको
मतलब कि किसी भी चीज को चबा सकते हो या चेविंग कर सकते हो। तो ये क्या करती है, हेल्प फॉर चेविंग, मतलब कि हमको चबाने में हेल्प करती कौन, मैंडिबुलर में ट्राइजेमियल नर्व, ठीक है, हेल्प फॉर चेविंग, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फेशियल नर्व। फेशियल में भी हमारे दो है, एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है। सेंसरी क्या करती है, टेस्ट टू टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग, जो हमारा जीवन का दो से दो बटे तीन वाला जो भाग है, पीछे का जो भाग है दो बटे तीन वाला, उसको क्या करती है, ये टेस्ट का सेंस, टेस्ट सेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब कि जो हमको टेस्ट का सेंस जो आता है वो कौन प्रोवाइड करती है, फेशियल नर्व करती है, उसमें कौन सी सेंसरी वाली, ठीक है। और फिर एक और होती है इसमें मोटर, इसका दो काम होते हैं, मूवमेंट ऑफ फेशियल मसल, जो फेशियल मसल्स का जो मूवमेंट होता है हमारा, उसको भी कंट्रोल करके कौन रखती है, हमारी फेशियल नर्व, जो कि मोटर नर्व है, इसमें वो क्या करती है, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नाइन्थ वाली, ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है। ये क्या करती, इसमें भी एक क्या होती है, सेंसरी होती है, और एक क्या होती है, मोटर होती है, ठीक है। सेंसरी क्या करती है, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ऑफ टंग टू टेस्ट, जो हमारा पोस्टीरियर मतलब कि हमारा जो जीवन का हिस्सा होता है वन थर्ड पार्ट, उसको क्या करती है, टेस्ट का सेंस देती है, कौन, ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं मोटर की, ये क्या करती है, मूवमेंट ऑफ फेरिंग, जो हमारा फेरिंग्स होता है उसको क्या मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जो हमारा फेरिंग्स होता है ना उसको क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, कौन, ग्लोसोफेरेंजियल। फेरेंजियल का क्या होता है, मींस मतलब फेरिंग्स, ठीक है, इसलिए ये क्या करती है, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है फेरिंग्स को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी वेगस नर्व, टेंथ नर्व है हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है, इसके भी दो कार्य है, कौन कौन से, एक तो सेंस है, एक मोटर। सेंस में देखते हैं हम, सप्लाई टू सेंस इन फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया और जीआई सिस्टम, ये क्या करती है, हमारे सेंस को सप्लाई करती है, किस किस में, फेरिंग्स में लेरिंग्स में ट्रेकिया में और जीआई सिस्टम में, क्या करती है, सेंस को सप्लाई करती है, फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया और जीआई सिस्टम, मतलब फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया और जीआई सिस्टम, जो हमारा पूरा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें क्या करती है, सेंस को सप्लाई करती है, कौन, वेगस नर्व। फिर हम देखते हैं इसका सेकंड फंक्शन मोटर। मोटर में, मोटर का क्या होता है, मीनिंग मूवमेंट, मूवमेंट होना, किसको मूवमेंट करवाती है, ये फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया और जीआई सिस्टम, जब हमारा फेरिंग्स है उसका भी मूवमेंट करवाती है, ट्रेकिया लेरिंग्स और जीआई सिस्टम उसको भी मूवमेंट कौन करवाती है, हमारी वेगस नर्व, टोटली मूवमेंट कौन करवाता है, हमारे जीआई सिस्टम को वेगस नर्व, जो कि हमारी टेंथ क्रैनियल नर्व, ये हमारी पहली नर्व है जो हमारे जो ब्रेन से निकलती है, लेकिन ये सारी जो हमारे 12 क्रैनियल नर्व है उनमें से एक पहली वेगस नर्व है, जो कि हमारे ब्रेन से तो निकलती है, बट इसका काम क्या है, जो नीचे वाले जो पोर्शन होता है उसमें काम करती है, जैसे फेरिंग्स हमारे हेड से नीचे, फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया और जीआई सिस्टम, ये सारा नीचे है, और बाकी की जो नर्व होती है वो सिर्फ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल के मूवमेंट्स, स्मेल सेंस विजन, इन सबको कंट्रोल करती है, बस हमारी वेगस नर्व है, जो कि हमारे जीआई सिस्टम या हमारे फेरिंग्स लेरिंग्स और ट्रेकिया को कंट्रोल करके रखती है, उनको सेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रैनियल नर्व के बारे में वीडियो। क्रैनियल नर्व कितनी होती है, टोटल 12 होती है, उसकी शॉर्ट ट्रिक हमने देख ली है, समझा दी अच्छे से, क्रैनियल नर्व याद करवा दी कौन कौन सी, ऑल्फैक्टिक ऑप्टिक ओक्लोमोटर ट्रोक्लियर ट्राइजेमियल एब्डुसेंट फेशियल वेस्टिब्युलो कोक्लियर ग्लोसोफेरेंजियल वेगस एसेसरी और हाइपोग्लोसियल, ये हमारे 12 क्रैनियल नर्व है, इनके इनको मैंने आपको याद करवा दिया, और उनके जो टाइप्स है उनको भी याद कर दिया, मतलब कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है और कौन सी मिक्स होती है, और उनके क्या क्या काम होते हैं, इसके बारे में मैंने भी आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताई है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व के बारे में, जो कि हमारी 31 पेयर में होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, और अपना प्यार जताते रहिए। थैंक यू सो मच।